बंद करो हमारी ज़मीनें वापस दो हमारी ज़मीनें वापस दो हमारी रोजगार वापस दो कीमतें बढ़ी हैं उसके लिए इनका पीए जो है वो महीना इकट्ठा किया जा रहा है। आप मुझे बताइए 1500 की ट्राली 4000 करने के लिए कौन जिम्मेवार है? जम्मू कश्मीर के नौजवान को जो सब्ज बाग दिखा रहे हैं सिर बरगलाने के लिए, और जम्मू कश्मीर के साथ इनको कोई प्यार नहीं है। ये जम्मू के रिसोर्स बेचना चाहते हैं, उनकी लैंड बेचना चाहते हैं, वो सब आपके सामने है, वो बिल्कुल बेच रहे हैं, और हम इसके लिए प्रोटेस्ट में ऐसा काम हम नहीं। कठुआ के अंदर अभी परसों ही पीएमओ का मैं एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बाहर की जो कंपनीज है वहां पे आके गुजरात से लोग काम कर रहे हैं। ये शायद आप लोगों ने सबने सुना होगा, गुजरात से आके लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो कहाँ जाएंगे? आपने देखा होगा एनएचएम को, जो जिन्हें हम कोविड वॉरियर्स कहते थे, वो लोग भी आके धरने पर बैठे रहे, उनको भी उनको आज तक नौकरी नहीं मिली। जहां बाकी स्टेट्स के अंदर लोग पक्के कर दिए गए, हमारे लोग ये जम्मू कश्मीर के तरसते रह गए, और झूठे वायदे इनके जो है वो झूठे साबित हुए, इनके झूठे जुमले हैं। ये जुमलाबाजी सरकार है और डिक्टेटरशिप तानाशाही सरकार है जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि हमारे नेता कुछ जाते हैं और उनको आश्वासन देकर आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। वो उनको मालूम होगा उनकी, उनके जो नेता है वो किस तरह की जुमलेबाजी लोगों के बीच में करते हैं। बीजेपी और उससे ज्यादा कुछ भी बीजेपी जम्मू का लूटना, बंद करो जम्मू का लूटना, बंद करो। ये जो आज का प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया है, ये पिछले दिनों आपने देखा होगा 39 कंपनीज के साथ एमओयू साइन कर दिया गया हमारी सरकार ने, और यहाँ पे उनके ऊपर ना तो कोई स्टैंप ड्यूटी लगाई गई है, ना वो अंडर डोमिसाइल लॉ के अंदर लाया गया उनको बस एक एग्रीमेंट तहत एमओयू साइन करके, और हमारी यहाँ की हज़ारों कनाल जमीन जो है वो उन्हें दान में दी जा रही है, और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे ये ज़मीनें छीनी जा रही हैं। लोग पिछले 60 साल 70 साल से चाहे किसी का घर हो उसका घर को डिमोलिश कर दिया गया, अगर कोई अपनी खेती बाड़ी करता था उसे वो खेती बाड़ी छीन ली गई, और यहाँ के लोगों के लिए ये कानून बना दिया गया कि कोई भी आदमी सरकारी ज़मीन